जब भी किसी शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। पर क्या आपको पता है, गणेश जी की पूजा तांत्रिक साधना के लिए भी की जाती है। जी हाँ, गणेश जी से जुड़ी ऐसी बहुत सी रहस्यमय कहानियां हैं जो लोगों को आज तक नहीं पता। उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों उनके सर पर हाथी का ही सर जोड़ा गया, उनका सर कटकर कहां गिरा, क्यों गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों चतुर्थी के दिन चांद को देखने से कलंक लगता है, और सबसे ज्यादा रहस्यमय गणपति का एक ऐसा रूप जिसके बारे में केवल 1% लोग ही जानते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम लेकर आए हैं। यह बातें जानना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि जिन चीजों पर हमें बचपन से भरोसा है, जो पैटर्न हम हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं, उसके पीछे की साइंस ना पता होना तो अपने आप में एक समस्या है। तो आइए साथ मिलकर इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। वेलकम टू द यूट्यूब पेज ऑफ गॉड्स ऑफ इंडिया। आइए आज जानते हैं गणपति के राज, गणपति का सर और हाथी। शिव पुराण की कथा के अनुसार गणेश जी का जन्म माता पार्वती के मैल से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने नंदी जी को द्वार पर पहरेदारी करने को कहा ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। कुछ देर बाद ही भगवान शिव वहां आ पहुंचे और उन्होंने नंदी को वहां खड़ा पाया। भोलेनाथ के प्रति अपनी वफादारी के कारण नंदी जी उन्हें अंदर जाने से नहीं रोक पाए। इस घटना से देवी पार्वती ने मन ही मन ठान लिया कि जिस तरह नंदी जी भगवान शिव के प्रति वफादार हैं, ठीक उसी तरह उन्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो उनके प्रति वफादार रहे। और तभी माता पार्वती ने अपने लिए एक रक्षक बनाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी का टन लगाया, जिसे उतारने के बाद उसे इकट्ठा करके उन्होंने एक इंसान रूपी पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए और उसे अपना बेटा मानकर उसका नाम गणेश रख दिया। तो इस तरह से हुआ था जन्म भगवान गणेश जी का। परंतु जब यह सब हुआ उस समय भगवान शिव कैलाश पर उपस्थित नहीं थे, इसलिए माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि उन्हें घर की पहरेदारी करनी होगी क्योंकि वह स्नान करने जा रही है। गणेश जी को ये आदेश मिला था कि जब तक माता पार्वती स्नान कर रही हो, घर के अंदर कोई ना आ पाए। तभी कुछ देर बाद शिव जी घर लौटे तो गणेश जी ने उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से मना कर दिया। भगवान शिव द्वारा बहुत समझाने के बाद भी गणेश जी नहीं माने, जिस वजह से शिव जी ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी के सर को धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को गणेश जी के इस हाल के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई। शिव जी ने माता पार्वती के दुख को दूर करने के लिए गणेश जी को जीवित करने का फैसला लिया और अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो सबसे पहला सर दिखे उसे ले आना। उनके गण ऐसे ही करते हैं और उन्हें उत्तर दिशा में पहला सर इंद्र के हाथी इरावत का दिखा और उसे वो ले आए, जिसे भगवान शिव गणेश जी के धर से जोड़ दिया, जिसके बाद गणेश जी को गजानन नाम से भी जाना जाने लगा। गणपति का असली सर। गणेश जी के गजमुख अवतार के बारे में तो हमें पता चल गया कि कैसे उनका सर धर से अलग हो गया था। माता पार्वती के कहने पर शिवजी ने गज यानी हाथी का सर गणपति के धर से जोड़ दिया था, पर यह कोई नहीं जानता कि उनका सर धर से अलग होने के बाद कहां गिरा और आज के समय पर वह जगह कहां है और वहां क्या है। धर्मजीत भगवान गणेश का असली सर धर से अलग होने के बाद शिवजी उनका मस्तक एक गुफा में रख देते हैं। जिस गुफा में भगवान गणेश का सर रखा गया उसको पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में विराजित गणेश जी की एक मूर्ति भी है जिसको आदि गणेश भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि कलयुग में इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी और वहीं द्वापर युग में इस गुफा को पांडवों ने भी खोजा था। यह गुफा उत्तराखंड के पित्तगढ़ में गंगोली हार से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। गणेश जी को एक दंता क्यों कहा जाता है? क्या आपको पता है उन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है? इसके पीछे दो प्रसिद्ध कहानियां जुड़ी हैं। पहली कहानी भगवान परशुराम और गणेश जी के बीच के युद्ध की। ब्रह्मव्रत पुराण के अनुसार भगवान परशुराम एक बार कैलाश पर्वत पर गए जहां शिव जी ध्यान कर रहे थे और वहां जाकर परशुराम जी ने शिव जी से मिलने की इच्छा जाहिर करी, लेकिन गणेश जी ने भगवान परशुराम को शिव जी से मिलने की अनुमति नहीं दी ताकि उनका ध्यान भंग ना हो। गणेश जी द्वारा मना करने पर परशुराम जी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर गणेश जी पर हमला करने के लिए अपने फरसे का इस्तेमाल किया जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दिया था। अपने पिता द्वारा दिए गए हथियार की शक्ति का सम्मान रखने के लिए गणेश जी अपने दो दांत में से एक दांत पर हमला ले लिया, जिस वजह से उनका एक दांत टूटकर गिर गया और इस घटना के बाद से गणेश जी को एक दंत कहा जाने लगा। दूसरी कहानी है महाभारत की कथा लिखने की। आप सभी यह तो जानते होंगे कि महाभारत के रचयिता ऋषि वेदव्यास जी हैं, लेकिन फिर भी गणेश जी को महाभारत का मूल लेखक माना जाता है। महान ऋषि वेदव्यास ने महसूस किया कि गणेश जी महाभारत को समझने योग्य है, इसलिए उन्होंने गणेश जी को पूरी महाभारत सुनाई और उसे लिखने का अनुरोध गणेश जी से किया। गणेश जी उनकी बात मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वह महाभारत लिखते हुए एक क्षण भी नहीं रुकेंगे।
कहा जाता है कि महाभारत को लिखते लिखते जब बीच में पंख वाला कलम टूट गया तो गणेश जी ने अपने एक दांत तोड़ लिया और बाकी महाभारत लिखने के लिए उसका इस्तेमाल किया। यह भी एक वजह है कि उन्हें एक दंत कहा जाता है। श्री गणेश और तुलसी। गणेश जी और तुलसी की कहानी हिंदू पुराणिक कथाओं में बहुत लोकप्रिय है। यह प्रेम अस्वीकृति और बदले की कहानी है। कहा जाता है एक बार गणेश जी गंगा नदी किनारे तपस्या में लीन थे। उसी दौरान वहां से तुलसी माता गुजर रही थी। वह गणेश जी के सौंदर्य रूप को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। माता तुलसी अक्सर गंगा नदी के तट पर गणेश जी को देखने जाया करती थी। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके गणेश जी से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने उन्हें यह कहकर ना कर दिया कि वह एक ब्रह्मचारी हैं और वह कभी भी शादी नहीं करेंगे। तुलसी जी सुनकर क्रोधित हो गई और गणेश जी को श्राप दे दिया कि वह जल्दी ही दो दो विवाह करेंगे। यह सुनते ही गणेश जी ने भी गुस्से में आकर तुलसी देवी को श्राप दे दिया कि वह सदा के लिए एक पौधा बनकर रह जाएंगे और कभी भी उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। गणेश जी का दिया हुआ यह श्राप सच हुआ और तुलसी जी एक पौधा बन गई और आज भी गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। केले के पेड़ से शादी। भारत के पश्चिम बंगाल में एक लोकप्रिय मान्यता है कि गणेश जी ने केले के पेड़ से शादी करी थी। कहानी यह है कि एक दिन माता पार्वती काफी सारा भोजन खा रही थी। यह देख गणेश जी ने उनसे पूछा कि वह इतना भोजन क्यों खा रही है। गणेश जी के इस सवाल के उत्तर में माता पार्वती ने कहा कि उन्हें यह डर है कि कहीं जी की पत्नी ने उन्हें खाना नहीं दिया तो। यह सुनकर गणेश जी नाराज हो गए और जाकर एक केले के पेड़ को काटकर माता पार्वती के पास ले आए और कहा, यह लीजिए माँ, यह आपकी बहू है और यह कभी भी आपको भूखा नहीं रहने देगी। आज भी पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान केले के पेड़ को एक साड़ी में सजाकर गणेश जी के दाई और उनकी पत्नी के स्वरूप में रखा जाता है। गणेश चतुर्थी और चंद्रमा। क्या आपको पता है गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने से मना किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर रात में कैलाश पर्वत जा रहे थे। तभी उनके स्वरूप और मोटे पेट को देखकर चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने स्वरूप पर बहुत अभिमान है ना, जाओ आज की बाद तुम्हारे पास चांदनी नहीं रहेगी। और उसी समय चंद्रमा चांदनी विहीन हो गए। तभी चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश से अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगवान गणेश ने उन्हें क्षमा तो कर दिया और चांदनी लौटा दी, परंतु साथ यह भी कह दिया कि चतुर्थी की रात जो भी तुम्हारी तरफ देखेगा उस पर एक झूठा कलंक लग जाएगा जो निश्चित ही उस व्यक्ति के हित में नहीं होगा। माना जाता है कि इसी कारण गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखा जाता है। गणपति का नटखट प्यारा और दयालु अवतार तो हम सभी ने देखा है, पर गणेश जी का एक ऐसा रूप भी है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और वह है अघोर गणपति का रूप, जो कि गणेश जी के 32 रूपों में से एक है। यह गणपति का एक उग्र रूप है जिन्हें अक्सर तांत्रिक साधकों द्वारा पूजा जाता है। कई पुराणिक कथाओं में बताया गया है कि अघोर गणपति का रंग लाल या गहरे रंग का है। अघोर गणपति के चार हाथ हैं, जिसमें से तीन हाथों में यह तीन चीजें होती हैं, गन्ना पाश और एक हाथ में इनका अस्त्र और इनके साथ बैठी होती हैं एक नेकेड गॉडेस, जिनके ऊपर अघोर गणपति का चौथा हाथ होता है। अघोर गणपति को जन्म और मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता है। वह सृष्टि और प्रलय दोनों के लिए जिम्मेदार है। क्या आप गणपति के इस रूप को जानते थे? गणेश जी से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिन्हें एक ही वीडियो में समेट पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप उन रहस्यमय कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इस पर पार्ट 2 लेकर जरूर आएंगे। और हां, आपको यह वीडियो कैसी लगी यह भी जरूर बताइएगा। जय श्री गणेश।